बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ संभव तो सब कुछ है, जैसे आर्यभट्ट के शून्य से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय तक। जो बिहार में दिखता है या फिर दिखाया जाता है, वहाँ से बहुत ही अनजान और बहुत खूबसूरत है हमारा बिहार। तो गलतफहमी के पर्दों को अपने आँखों से हटाएं और अपने रगों में थोड़ा उबाल लें। जिगर में जुनून और आँखों के सामने ये सब जो देखने का सुकून है ना, यही तो है अपना बिहार। जी आखिर यही तो है अपना बिहार। तो आइए हम सब साथ मिलकर देखें इस बिहार के अनगिनत खूबसूरत नज़ारे में से एक नज़ारे को, जिसका नाम है मांझर कुंड। और ये स्थित है कैमूर हिल में, सासाराम से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों आइए हम इस खूबसूरत ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, जिसका नाम है बिहार टूरिज्म डायरी का एपिसोड नंबर 1। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सब कुछ तैयार हो चुके हैं लगभग। सुमन बस शट इन कर रहा है, ये भी तैयार हो गया। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ जाना है। सो ये है ब्लॉग शुरू हो गया, लंडा को पता नहीं कहाँ जाना है। इसलिए नहीं पता है ना कि अभी हम लोग सोचे थे मांझरकुंड जाएंगे या धुआंकुंड। लड़का तो भाई, अभी हम लोग होटल से निकले, देन होटल के जस्ट रोड क्रॉस करते ही सामने हम लोग को दिखा सत्तू वाले भैया। तो हम लोग को दिल कर रहा है सत्तू पीने का, और सत्तू पी के पेट ठंडा करके ठंडी जगह जाना है। और ये क्या है भाई, बार बार आना जाना। तो अभी यहाँ हम लोग सत्तू पियेंगे, उसके बाद निकला जाएगा। हम लोग कहाँ, धुआंकुंड शायद जा रहे हैं, शायद धुआंकुंड। भैया धुआंकुंड कहाँ पे है? मांझर कुंड ना। तो कितना दूर है यहाँ से? कितना जाना पड़ेगा? हाँ जाना पड़ेगा। फिर भी यहाँ से कितना किलोमीटर है अप्रोक्स? तो मतलब ऐसे एक आप बता सकते हैं नहीं कितना दूर लगेगा? मिस मत डालिएगा, एक में नहीं डालिएगा, बाकी का पता नहीं। तो गाइस भैया बता रहे हैं कि धुआंकुंड बहुत ज़्यादा दूर है, हम लोगों तो लगा था कि 2-3 किलोमीटर है, बट। सो गाइस स्वागत है आपका बिहार टूरिज्म डायरी के 1st एपिसोड में। तो आज हम लोग जा रहे हैं धुआंकुंड, और धुआंकुंड को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और जो लोग बोलते हैं ना बिहार में क्या है, तो भाई देखो ये एपिसोड देखो और इसके आगे आने वाले पूरे एपिसोड को देखो और पता करो कि बिहार में क्या क्या है। तो हम लोग डायरेक्ट मिलते हैं लोकेशन पे। ओके चलते हैं। सो गाइस हम लोग लोकेशन पर तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंचने में हम लोग को 6 किलोमीटर और सफ़र तय करना पड़ेगा, और वो सफ़र हम लोग पैदल तय करेंगे। ओह काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, ऊपर से धूप है यार। मतलब पैदल कैसे जाएंगे 6 किलोमीटर, वो भी पहाड़ चढ़ते हुए 6 किलोमीटर हम लोग को जाना है पैदल। ओह पहले से पता रहता ना कि डायरेक्ट जाना है, तो हम लोग डायरेक्ट गाड़ी रिजर्व करके आते। हम लोगों को आइडिया नहीं था ना कि यहाँ आने के बाद फिर 6 किलोमीटर वगैरह पैदल जाना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग ने अपने ज़रूरत की चीज़ें ले ली हैं, वाटर बोतल वगैरह तो ज़रूरी है भाई लेना है, और कुछ खाने पीने की चीज़ें रख ली हैं अपने बैग में। ओके देखें हम लोग कितना ऊपर चढ़ चुके हैं। ओह हालत ख़राब है। ओह अभी बहुत ऊपर चढ़ना है यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पैदल जा रहा हूँ। बस हवा निकल गई। ओए बहुत हालत ख़राब है यार। कैसा लग रहा है? देखिए हम लोग कितना अभी ऊपर चढ़ चुके हैं, इसके बाद और ज़्यादा ऊपर चढ़ना है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए चलते हैं। ओह
देखिए अभी हम लोग बस वहाँ से यहाँ तक चढ़े हैं, मतलब बहुत ऊंचाई है, दिखने में नहीं लग रहा। देखिए आप लोग व्यू देखिए, इतना शानदार व्यू है। देन अभी हम लोग को बहुत दूर जाना है, बहुत ज़्यादा दूर। सो गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस कुछ ही मीटर दूर हैं, और 4 घंटे की जर्नी थी हम लोग की। पूरा हम लोग करीब 3 पहाड़ हम लोग पार किए हैं, उसके बाद जाकर हम लोग पहुँचे हैं। और अभी भी शायद कुछ मीटर बाकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग बस व्यू लो यार, मज़ा आ जाएगा। एक बार व्यू लो, मतलब 4 घंटे की जर्नी अब जाके सफल हुई है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हो, ओ यार क्या व्यू है। सो गाइस वो रहा है वाटरफॉल, और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और गाइस 4 घंटे की जर्नी, ओ पूरा पैसा वसूल नहीं, थकावट वसूल हो गई हम लोग की। इतनी थकावट क्या बताऊँ आप लोगों को। जब अगर आप पहाड़ चढ़ोगे ना, हम लोग पहाड़ चढ़ के आए हैं, लिटरली हम लोग 3 पहाड़ पार किए हैं। और वो देखो यार नज़ारा है एक बार, ओ तो गाइज आप लोगों के एक बात बतानी है। हम लोग तो जा रहे थे धुआं कुंड, बट हम लोग को रास्ता एकदम नहीं पता था। कोई कोई पहाड़ पे लोग मिले, पूछते 4 घंटे से हम लोग बस ऐसे ही सफ़र किए जा रहे थे। तो हम लोग जहाँ आए हैं वो धुआं कुंड हम लोग नहीं पहुँचे हैं, हम लोग पहुँचे हैं मांझर कुंड। सो खैर ये भी नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सही है, और धुआं कुंड से कम भी नहीं है। तो आप लोग इस नज़ारे को भी एंजॉय कीजिएगा ज़रूर। ओके इतनी मेहनत, ओहो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो अभी मुझे जाना है इधर, देखिए इसको पार करके उधर जाना है। ओके मैं आपसे मिलता हूँ लोकेशन पे। गाइस ओह सो गाइज फाइनली वी रीच्ड एट मांझर कुंड। मजा आ गया। देखिए नजारा देखिए, और पूरी थकावट वसूल, मजा आ गया।
गाइस फाइनली हम लोग पूरा घूम चुके हैं और पानी बहुत ज्यादा आ चुका था, तो हम लोग अपनी सेफ्टी देखते हुए बाहर निकल गए। और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी तो जा रहे हैं यहाँ से, डायरेक्ट होटल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।